हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे हैं। और आज हम बनाएंगे कबाब पराठा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कबाब कितना अच्छा बनाया, वो भी घर पे। तो बस बेसिक से चीज़ों से बनाया है और इतना सॉफ्ट, इतना टेस्टी ये बना था है कि पूछिए मत। तो सारे घर वाले, तो मेरे आपको मार्केट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे घर वालों तो ने बोला है कि अब हर सैटरडे को आप बनाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी था। तो बस चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया है, कुकर में हमने सोयाबीन को भिगो लिया था, तो सोयाबीन डाल देंगे। उसके बाद मैंने 1 कप के करीब चने डाल लिए थे, उसे भी हमने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, तो उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। उसे भी ऐड कर दिया हमने। अब इसमें हम लहसुन 10-12 कली और 2 हरी मिर्च, इसे भी ऐड कर देंगे। कुछ खड़े मसाले ले लेते हैं, उसे भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा जीरा, 2 इलायची, 3 तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी, इन सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे। और अब विश्वास मानिए, इतना टेस्टी ये बन के कबाब रेडी होता है ना। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि हल्दी हमारे सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच से कम ही नमक ऐड करेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा 1 कप के करीब पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो चने में पानी था उसे भी हमने इसमें ऐड कर दिया था, और 1 कप पानी हमने ऊपर से ऐड किया। अब इसे ढक्कन लगा के 1 सीटी हाई फ्लेम पे और 2 सीटी लो फ्लेम पे पका लेते हैं। जब तक हमारा चना उधर पक रहा है, तब तक हम चटनी बना लेते हैं। तो बेसिक सी चटनी है इसकी, कोई ज़्यादा वो नहीं है। जो रेगुलर अपनी हरा धनिया लिया है, 4-5 हरा मिर्चा लिया है, 2-1 टमाटर थे 4 हमने काट लिया था। और ये देखिए हमारी चटनी भी रेडी हुई है। कबाब के लिए हमें आटा लगाना है, तो यहाँ पे मैदा कबाब मैदे में ही बनता है, जो पराठा होता है ना वो मैदे में ही बनता है। तो बस यहाँ पे हम थोड़ा सा चीनी लेंगे, लखनऊ स्टाइल देने के लिए हमें, ये लखनऊ का डिश है तो लखनऊ वाला स्टाइल देने के लिए हमें चीनी चाहिए और उतना ही नमक चाहिए। तो हमें थोड़ा सा नमक और ऐड करना है। और अब इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे पानी से, और पानी से सॉफ्ट सा आटा गूँथ के तैयार करेंगे। इसे थोड़ा थोड़ा पानी करके मिक्स कर लेंगे। तो बस इसे गूँथ लेना है एक सॉफ्ट सा आटा लगाने तक। और आप विश्वास मानिए, एकदम मार्केट का कबाब पराठा भूल जाएंगे। घर पे आप इस तरह से जब ट्राई करेंगे ना, तो मार्केट आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको घर पे ही मिल जाएगा। तो मार्केट जाने की क्या ज़रूरत है जब हम घर पे ही इतना टेस्टी सा बना सकते हैं। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आटे को आधा गूँथ लिया। अब इसमें थोड़ा सा हमने घी ऐड कर दिया है, और घी से आप बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी पराठा बन के रेडी होता है। और मैं तो बनाती हूँ ना, तो मेरे घर 1 किलो मैंने आटा लिया था, मैदा लिया था। अब इसे अच्छे से गूँथ लेंगे, और मेरा समझ लीजिए 1 किलो मैदे में मैंने 1 कप के करीब घी डाला है। और ये फिर हमारे आटे अच्छे से गूँथ गए हैं, मिक्स कर लिया मैंने। और अब इसे 1 घंटा के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तो बस 1 घंटा के लिए इसे ढक के किसी बर्तन में आप रख लीजिए, और 1 घंटे के लिए आप इसे रेस्ट करने दीजिए। तब तक देख लेते हैं, हमारी कुकर भी यहाँ पे हो गई है, दाल भी हमारी, तो इसे खोल लेते हैं। अभी हमारी कुकर काफ़ी गर्म है, तो बस अभी इसे ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करके इसका पेस्ट बना लेंगे। एक चना मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ कि हुआ है कि नहीं। ये देखिए कितना अच्छे से हो गया है। तो बस इसे हम चला के इसे ठंडा थोड़ा कर लेंगे। और देखिए बिल्कुल सूखा है, पानी बिल्कुल नहीं है। जितना पानी हमें ज़रूरत थी उतना पानी हमने ऐड किया है, तो ज़्यादा इसमें पानी नहीं ऐड करिया, वरना आपके जो अब इसे एक मिक्सी के जार में लेके एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने सारे मतलब सोयाबीन और दाल को पीस लिया है। और ये कितना अच्छा, तो बेसिक सा मसाला डालेंगे। इसमें है काली मिर्च 1/2 चम्मच, 1.5 चम्मच इसमें गरम मसाला आप ज़रूर ऐड करें, क्योंकि गरम मसाला बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है, बहुत अच्छा। और आप कलर के लिए 1 चम्मच लाल कश्मीरी लाल मिर्च ले लीजिए। और नमक मैंने बहुत कम डाला था, तो इसमें 1 चम्मच नमक हमने ऐड कर दिया है। और ऊपर से जाएगा हरा धनिया। तो बस
इसे आप चलाते हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें आप चाहे तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं, प्याज आप नहीं भी खाते हैं ना तो प्याज आप छोड़ भी सकते हैं। मैंने यहाँ इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि मेरे यहाँ ठाकुर जी का भोग लगता है और जो चीज़ें में प्याज पड़ती है ना उसका भोग नहीं लगता, लहसुन प्याज पड़ती है, तो इसलिए मैंने इसमें तो लहसुन तो डाल दिया, बगैर प्याज नहीं डाला है तो मैं इसका भोग नहीं लगाऊंगी। और ये देखिए बस इसी तरह से इसको गोल गोल करके बना लेना है। और ये देखिए बिल्कुल हाथ में चिपक नहीं रहा है, इतना अच्छा मेरा ये कबाब बन के रेडी हुआ। तो बस ये देखिए सारे कबाब को मैंने बना लिया। अब इसे तलने के तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हम डालेंगे एक चम्मच ऑयल और इसके बाद अब ऑयल को गर्म कर लेंगे, चारों ओर फैला देंगे। अब एक एक करके कबाब हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से, और एकदम ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट कबाब हमारे बन के रेडी होंगे। तो बस इस तरह से सारे ऐड कर लें, जितना हो सके उतना ही ऐड करें। एक बार में मैंने 6 पीस ऐड किया है। तो बस अब इसे थोड़ा सा एक साइड से सेकने देंगे। तो यहाँ पे एक साइड से ऑलमोस्ट सेक गए हैं, आप देख ही सकते हैं। तो अभी हम इसे पलट भी लेंगे। इसे पलटने के लिए सॉफ्ट वाला जो इस तरह से आता ना पलटने के लिए चिमटा, उसी का इस्तेमाल करें ताकि हमारे जो ये सॉफ्ट से कबाब हैं वो टूटे ना। देखिए एक साइड से सिक गया है, तो इसे पलट लेंगे दूसरे साइड से हम, और आँच मीडियम ही रखें, ज़्यादा मतलब तेज़ आँच पे इसे नहीं पकाया वरना ये जल जाएगा और अंदर से कच्चापन रह जाएगा। तो बस सॉफ्ट धीमी आँच पे इसे पका लें। और ये देखिए हमने पलट करके इसे कितना अच्छा ऊपर से आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी है और अंदर से कितना सॉफ्ट है। तो बस इसी तरह से पलट पलट के हम इसे सेक लेंगे। और ये हो चुके हैं तो अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। और यहाँ पे मैंने निकाल लिया और हरी चटनी के साथ आप देख सकते हैं, इसे खाइए और इंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा। सुपर टेस्टी नाश्ता या कह लीजिए इसे कबाब, या किसी रोटी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं कबाब की तरह उसे लपेट के, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।